हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे एक और नए वीडियो दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे की नई श्रृंखला में। दोस्तों, तो आज मैं आपको ले जाऊंगा दोस्तों दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का जो गरोड़ से आगे भानपुरा पड़ता है दोस्तों, वहाँ का टोल टैक्स पूरा बन चुका है दोस्तों, तो उसी के बारे में मैं जानकारी देना चाहता हूँ। उससे पहले दोस्तों, अगर आप दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पे अगर अपना वाहन लेकर दोस्तों चढ़ चुके हैं, तो मैं आपको थोड़ी जानकारी देना चाहता हूँ दोस्तों। अगर आपको किसी भी प्रकार का कोई वाहन में कोई दिक्कत आ गई या किसी भी प्रकार का कोई खराबी हो चुकी है दोस्तों, तो आप बाईं ओर अपना वाहन पार्किंग कर सकते हैं दोस्तों, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकती है दोस्तों। और इससे दो नंबर वाले में दोस्तों, आपको है ना वाहन चला रहे, अगर आप तो वाहन चलाते समय दोस्तों मोबाइल का प्रयोग ना करें, ये सबसे पहले आपको आप और हम जानते हैं दोस्तों, 80% जो एक्सीडेंट होते हैं ना दोस्तों, आप क्योंकि आप वाहन चला रहे दोस्तों ना, आपका किसी भी घर घर से या किसी का भी कॉल आ सकता है दोस्तों। आप उस टाइम अगर कॉल उठा रहे ना, मान लो किसी सामने से कोई वाहन आ चुका है दोस्तों, तो एक्सीडेंट होने का खतरा चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं दोस्तों। इसीलिए अगर आपका कॉल आ गया तो साइड में रोक के आप वाहन को खड़ा करके आप आराम से बात कर सकते हो दोस्तों। और तीसरा नियम है दोस्तों, शराब पीकर सबसे मेन मुद्दा है दोस्तों। अगर आप शराब पीकर गाड़ी चला रहे हो दोस्तों, तो इसके ऊपर आपको फाइन भी कर सकता है गजब बेइज्जती है। गाड़ी का एक्सीडेंट भी करवा सकते हैं दोस्तों। इसलिए आप ध्यान रखिए कि आप शराब पीकर गाड़ी ना चलाएं। और दोस्तों, चौथा नियम है, आप हमेशा अगर आपको ओवरटेक करना दोस्तों, बाईं ओर ना जाके दोस्तों दाईं ओर एक ओवरटेक करके आप अपना वाहन आगे निकाल सकते हैं दोस्तों। आगे अपने दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के जो भानपुरा का वहाँ का टोल गेट है दोस्तों, उसी के बारे में जानकारी देना चाहता हूँ। तो चलिए दोस्तों, अपन चलते हैं भानपुरा का वहाँ का टोल गेट, आपको उसके बारे में जानकारी दूंगा। उससे पहले दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले लाल कलर का बटन दबाकर, और वीडियो को लाइक ज़रूर करें दोस्तों। आप लोगों के लिए दोस्तों बहुत मेहनत करते हैं हम इसी, तो आप चलिए चलते आपको भानपुरा का वहाँ का टोल टैक्स दिखाते हैं। चलिए दोस्तों एक्सप्रेसवे पर हर आपको एक दो दो किलोमीटर के समथिंग दोस्तों इस प्रकार के जो बॉक्स लगे होंगे ना दोस्तों, यह कोई नॉर्मल बॉक्स ही नहीं है दोस्तों, इसमें टेलीफोन बूथ लगा रहेगा दोस्तों। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे अगर आप किसी प्रकार से आपको कोई भी समस्या का अगर आपको दिक्कत आ गई दोस्तों, तो आप कहीं पर जाने की आपको ज़रूरत नहीं। आपके पास अगर फ़ोन होगा तो दोस्तों फ़ोन से क्या लोकेशन पता नहीं लगती है, इसलिए ना दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वालों ने क्या किया दोस्तों, इनका खुद का टेलीफोन बूथ लगा दिया दोस्तों हर दो 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 चार चार किलोमीटर के समथिंग में एरिया में। तो दोस्तों आपको कुछ नहीं करना, इस प्रकार से इसको ढक्कन को खोलना है और यहाँ पे एक टेलीफोन बूथ लगा रहेगा दोस्तों। कुछ भी नंबर डायल नहीं करना, वहाँ पे एक बटन रहेगा दोस्तों। यहाँ वैसे इसको खोलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी दोस्तों, यहाँ पे बाहर एक बटन रहेगा, उसको जैसे प्रेस करोगे आपको यहाँ नीचे उसका माइक लगा होगा दोस्तों, उसी माइक में आप यहाँ से बोलोगे दोस्तों के सर जी हमको किसी भी प्रकार की जो भी आपकी समस्या है दोस्तों, यहाँ पर आप समस्या का समाधान आप यहाँ पर बोलोगे दोस्तों, तो आपके 5 या 10 मिनट में दोस्तों आपके वाहन जो भी यहाँ पे कॉल सेंटर में आपकी कॉल जाएगी, यहाँ से जो यहाँ पे अपना भानपुरा के यहाँ पर टोल नाका दोस्तों, वहाँ पे इसका कॉल सेंटर लगा होगा, तो वहाँ से आपको 10 से 15 मिनट में आपको वहाँ से वाहन उपलब्ध करा दिया जाएगा दोस्तों। जिस भी प्रकार की आपको कोई समस्या होगा, आपके हर एक समस्या का समाधान किया जाएगा दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं इसी वीडियो की एक और कड़ी में, तो आपको दिखाएंगे आगे का। तो इस प्रकार की जानकारी दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी लगी होंगी। है चौकड़ी आएगी नहीं चौकड़ी, झालावाड़ 1 किलोमीटर ये आ चुका है दोस्तों दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे, जो भानपुरा का वहाँ का मिनी टोल प्लाजा, गरोड़ के वहाँ का थोड़ा दोस्तों बड़ा टोल प्लाजा है, ये थोड़ा छोटा वाला जो भानपुरा के लोगों ने थोड़ा दोस्तों धरने वरने पे बैठ चुके थे, इसी प्रकार के उनको भी एक छोटा टोल प्लाजा प्रोवाइड करवा दिया गया दोस्तों। आपको अभी सामने दिख रहा होगा दोस्तों लाइटें वाइटें जिस प्रकार से दिख रही है ना, वो सभी आपको टोल प्लाजा के ऊपर ही दिख रही होगी दोस्तों। तो ये जो मैं वीडियो बना रहा हूँ दोस्तों, ये अपने भानपुरा के वहाँ का टोल प्लाजा है दोस्तों, नीमच झालावाड़ दोस्तों। 500 मीटर के बाद में आपको नीचे उतरना पड़ेगा दोस्तों, क्योंकि नीमच और झालावाड़ के लिए आपको दोस्तों अलग अलग दूसरा रोड पकड़ना पड़ेगा दोस्तों। देखिए आप जिस प्रकार से यहाँ पे लाइटें वाइटें की व्यवस्था करी दोस्तों, ये यहाँ पे अपना मिनी टोल प्लाजा स्टार्ट हो चुका है दोस्तों, काफ़ी अच्छी प्रकार से दोस्तों। MKC कंपनी का टोल प्लाजा है, तो आपको इसी के बारे में मैं थोड़ी जानकारी दूंगा दोस्तों। अभी जा रहे हैं हम भानपुरा के वहाँ का टोल प्लाजा दिखाने के लिए दोस्तों, तो जस्ट मेरे सामने दोस्तों टोल प्लाजा आ चुका है, तो आप देख सकते हैं दोस्तों लाइटें वाइटें काफ़ी एक नंबर प्रकार से दोस्तों इसकी लाइटें वाइटें लगा चुके हैं। जान दो सीधी, थोड़ी ऊपर ही जान दो, कैमरामैन जान दो, गाड़ी आगे जान दो, सीधी जान दो,
फिर ऊपर से नीचे लेके आने की पड़ेगी गाड़ी। तो दोस्तों आप देख सकते हैं फीस प्लाजा के, ये क्या है फीस प्लाजा के पता नहीं क्या, झालावाड़ नीमच दोस्तों किस प्रकार की देखिए लाइटें वाइटें। दोस्तों आपको अगर भानपुरा जाना, भानपुरा और नीमच झालावाड़ के लिए जाना पड़ेगा दोस्तों, तो नीचे जो दिख रहा है दोस्तों उसी वाइट वाले रोड पे नीचे उतर के आपको वहाँ से लेफ्ट लेफ्ट की तरफ दोस्तों भानपुरा है, तो आपको उधर ही जाना पड़ेगा। दोस्तों आज हमारे चैनल पे पहली बार ये जो भानपुरा के यहाँ टोल प्लाजा है तो इसी के बारे में जानकारी आपको प्रोवाइड करवा रहा हूँ दोस्तों। तो आगे चलिए दोस्तों, थोड़ा आपको इसके बारे में और अच्छे से जानकारी दूंगा दोस्तों। दोस्तों मैं क्या शाम के टाइम का वीडियो बना रहा हूँ दोस्तों, थोड़ा क्या वीडियो में थोड़ी क्वालिटी किस प्रकार से आ रही है दोस्तों, तो कमेंट करके जरूर बताना आप। तो देखिए दोस्तों किस प्रकार से उधर से घूम के ये इधर आपने भानपुरा के एकदम चक्री बना दी यार। कैमरामैन गाड़ी थोड़ी धीरे करो। गाड़ी रोकिए। तो देखिए भाई लोगों किस प्रकार से चक्री बना दी पूरे एकदम, जो दोस्तों ये आप सामने देख रहे होंगे ना दोस्तों, जो पेट्रोल पंप दिख रहा होगा आपको उधर, तो वो भानपुरा की तरफ से वो रोड आ रहा है दोस्तों। हाँ तो वो जो रोड आ रहा है दोस्तों उसको पूरा गोल बना दिया ना इन्होंने। आपको अगर अपने जो झालावाड़ जाना होगा ना दोस्तों, तो वहाँ से सीधा वो वाले रास्ते से इधर आके ये वाला जो रास्ता जा रहा है इसी वाले रास्ते से दोस्तों झालावाड़ की तरफ जाना होगा, और वो जो सीधा जा रहा है ना वो उधर आगे वाला रोड दोस्तों मैं जूम करके आपको थोड़ा दिखा दूँ, वो जो जा रहा है दोस्तों वो सीधा आपको उधर से बान, अगर आपको इसी रोड पे आगे जाना तो भानपुरा से सीधा इधर नहीं आना पड़ेगा दोस्तों, आपको सीधा उधर से आपको टोल नाका के वहाँ पे जो भी आपका 20-20 चार्ज लगेगा दोस्तों वो लगा के आप देने के बाद सीधा उधर हो के आप एक्सप्रेस वे पर प्रवेश कर सकोगे दोस्तों। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके जरूर बताना दोस्तों आप लोगों के लिए। इधर अपने भानपुरा के यहाँ का जो टोल गेट है दोस्तों उसी के बारे में आपको बता रहा हूँ दोस्तों। एकदम चक्री बना दी दोस्तों बीच में, मतलब गार्डन वार्डन बन सकता है। एक और टोल नाका उधर है। तो दोस्तों ये जो अपने ये इस वाले जो फो अपने जो दोस्तों दिल्ली वाला जो रोड है ना दोस्तों, उस वाले के लिए अलग है और बम्बई वाले रोड के लिए फिर अलग टोल प्लाजा है। इधर का अलग है और उधर का अलग है दोस्तों। ये जो वीडियो में दिख रहा होगा ये इंसान, ये दोस्तों कैमरा मैन है, थोड़ा इसको जूम करके दिखा दो। इधर देख भाई ये क्या, अभी खुद कैमरा मैन पकड़ रखा है तो वो घूम रहा आराम से। दोस्तों वीडियो कैसा लगा वीडियो कमेंट करके जरूर बताना। आपको हमारे चैनल के माध्यम से दोस्तों एक्सप्रेसवे की काफ़ी अच्छी अच्छी जानकारी आप प्रोवाइड करवा रहा हूँ दोस्तों, तो आपको दूसरी तरफ ले जा रहा हूँ, तो आप वीडियो बने रहे। दिल्ली मुंबई दोनों तरफ का अलग अलग टोल प्लाजा, जिस प्रकार से उधर बनाया सेम ऐसा ही, इधर भी ऐसा ही चार खोली बना रखी छोटी छोटी, चार लोग बैठे रहेंगे, चार वहां निकल सकते हैं आराम से। ये देखो दोस्तों आपने अगले वाले वीडियो में मेरे चैनल पे देखा होगा जो गरुड़ के वहाँ का टोल प्लाजा बना है दोस्तों, वो बड़ा वाला टोल प्लाजा है, उसमें 12 से 15 गाड़ियाँ एकदम पास होके दोस्तों निकल सकती है। इसमें सिर्फ दोस्तों चार गाड़ी पास होके निकलने का ही वो जो, क्योंकि दोस्तों छोटा टोल प्लाजा है तो इसमें जितना निकल सकती है उतना ही निकालेंगे, ज़बरदस्ती ठोस उसके तो नहीं निकाल सकते दोस्तों, है कि नहीं। तो दोस्तों काफ़ी अच्छा देखने को मेरे, तो भाई हो ये अपने जो भानपुरा का टोल प्लाजा मिनी टोल प्लाजा आपको कैसा लगा वीडियो के माध्यम से, हमारे चैनल के माध्यम से आपको दिखा रहा हूँ दोस्तों। दोस्तों ब्राइटनेस तो फुल है बट क्या मैं शाम के टाइम का दोस्तों वीडियो बना रहा हूँ तो वीडियो क्वालिटी थोड़ी आपको लो लग रही होगी दोस्तों, तो मैनेज करना। पर दोस्तों मुझे है ना MKC कंपनी का एक काम बिल्कुल थोड़ा पसंद नहीं आया दोस्तों। आप देख सकते हैं नालियाँ बनाने अभी इसको बने करीबन 5 से 7 महीने भी नहीं हुए
और दोस्तों नाली तो नीचे खिसक गई, रोड को छोड़ के बिल्कुल नीचे चली गई। देखो नहीं, ये काम ये किस प्रकार का काम है दोस्तों, आप खुद देख सकते। मतलब नाली बने अभी कोई ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, और इस प्रकार से देखो जगह जगह पर ठेकड़े लगा रखे अभी से। मतलब रोड बने स्टार्ट भी नहीं हुआ उससे पहले, इस प्रकार से ये जगह जगह रोड के ऊपर से सील लगा कर इसको स्टेबलाइज कर रखा है दोस्तों। ये देखिए आप कैमरे के माध्यम से, मैं आपको थोड़ा स्पष्ट नहीं दिख रहा होगा दोस्तों शाम का टाइम में, तो आप देख सकते जिस प्रकार से ये अभी मैं आपको आगे का थोड़ा दृश्य बताऊंगा दोस्तों। ये अपने झालावाड़ की तरफ से रोड आ रहा है दोस्तों, ये वाला सामने जो दिख रहा हो दोस्तों आपको, ये सुभाष जी सोजोतिया के कॉलेज है दोस्तों सामने, फार्मेसी कॉलेज, नर्सिंग कॉलेज, जो भी कॉलेज है दोस्तों। तो ये सामने जो गोल चक्रा बन रहा है दोस्तों, आप चाहो भानपुरा की तरफ से आओ तो वो ये इस साइड वाले होके उधर से चले जाओगे। अगर आप झालावाड़ की तरफ से आ रहे हो ना दोस्तों, तो उधर से सीधा यूँ होकर यहाँ से निकल जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है कि नहीं। वैसे दोस्तों कोई आदमी दिख नहीं रहा है एक्सप्रेस वे पे, तो मैं उसका थोड़ा आपको रिव्यू दिखा था, उनसे बात बात करते अपन। वहाँ की चालान चक्री वहाँ बोला। अरे भी छोड़ना।